स्कूल बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप में सरपंच गिरफ्तार, भेजे गए जेल। कुटौना प्रखंड के तहत लोखा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव में दो नाबालिग स्कूल बच्चे महज दो लीची तोड़ लिया, जिसको लेकर सरपंच ने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसके बाद सरपंच द्वारा किए गए बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार के निर्देश पर लोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनाइल लिस्ट जर्नलिस्ट एक्ट 2000 के तहत मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें लोखा लोखी एवं नरनिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों के धर पकड़ के लिए एसपी सुनील कुमार की अध्यक्षता व सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें लोखा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, लोखी थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार एवं नहरनिया ओपी अध्यक्ष सुनील झा के द्वारा जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। वही भारत नेपाल सीमा के बेवकरा चौड़ी से मुख्य आरोपी बिशनपुर निवासी वर्तमान सरपंच उपेंद्र यादव को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, तथा दूसरे आरोपी पूर्व चौकीदार के बेटा मोहम्मद साकिल अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है।